हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू IFS। अब जैसे कि आपको पता है 28 अप्रैल को आपकी HP सेट यानी कि हिमाचल प्रदेश की सेट होने वाली है यहाँ पर, तो उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स है, कुछ एक नोटिफिकेशन पास की है आपके HP सेट के, तो उसके ऊपर हमें एक बार ध्यान देना चाहिए। एक नोटिस आपने पढ़ी होगी जिसके आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैं आपको अच्छी तरीके से पूरा यही दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन वाली नोटिस भेजी है, तो कुछ नहीं, काफी सारी चीजें, एक बार आपके पढ़ाई के बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकालिए 10-15 मिनट, और यहाँ पर आपको चीजों को अच्छी तरीके से एक बार देखना है, ठीक है? कुछ नहीं, एक बार सारी चीजों को पढ़िए, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपको चीजों को फॉलो करना है, जो इंस्ट्रक्शन होते हैं एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें इसमें दी है। हम यहाँ पर जो मेन मेन चीजें ना उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। तो सबसे पहली टेस्ट है आपकी, जो एग्जाम है संडे को है, 28 तारीख को, 28th of April को, तो ये एक डेट यहाँ पर उन्होंने मेंशन की है। और दो सेशन में आपकी ये एग्जाम होने वाली है, 11 AM to 12 noon, ये आपकी एक डेट है, और दूसरी जो डेट है आपकी 2:30 से 4:30 बजे, ठीक है? ये आपका दूसरा सेशन है। तो आपके आपके हॉल टिकट के ऊपर ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो जो आपका हॉल टिकट है उसको डाउनलोड कीजिए, आपको आया होगा, और उसके ऊपर आपको आपका सेशन पता चल जाएगा, ठीक है? और एक चीज यहाँ पर उन्होंने क्या बोली है, जो आपके स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स है उनको 1 घंटा पहले आपके एग्जाम सेंटर के ऊपर आना है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीच द वेन्यू 1 आवर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है? तो 1 घंटा पहले उसको यहाँ पर आना है। तो और अगर इंफॉर्मेशन अगर हम मेन देखें तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एक्सपायरिटी ऑफ फुल अलॉटेड टाइम। मतलब इसका क्या कहने का मतलब है, अगर फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे का आपका पेपर है, तो 3 घंटा पूरा आपको कंपल्सरी बैठना है, उसके पहले आप पेपर सबमिट करके बाहर जा ही नहीं सकते, तो ये एक चीज उन्होंने बोला है, ठीक है? बाद में क्या बोला है उन्होंने, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंटरटेन टू अपियर इन द टेस्ट एग्जामिनेशन विदाउट हिज और हर एडमिशन लेटर कम आइडेंटिटी कार्ड। इसका मतलब जो आपका आईडी कार्ड होता है, जो अपने फॉर्म फिल करते समय वहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो आपके पास चाहिए, और उसके साथ साथ आपका हॉल टिकट भी कंपल्सरी चाहिए, ठीक है? और क्या बोला है उन्होंने, द कैंडिडेट शुड राइट एनकोड द आंसर इन कार्बन लेस OMR शीट विद ब्लैक ब्लू बॉल पेन ओनली, ठीक है? आपके पास कोई भी एक इंक पेन या आपका ये नहीं होना चाहिए जेल पेन, आपके पास कंपलसरी आपका बॉल पेन ही होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू कलर कोई भी चल जाएगा, ठीक है? और OMR शीट के ऊपर आपको करना है, ऑब्वियसली आपकी कोई ऑनलाइन एग्जाम तो है नहीं, दोनों भी एग्जाम आपकी ऑफलाइन एग्जाम है, तो ऑब्वियसली आपको बॉल पेन से OMR शीट के ऊपर उसको कलर करना है। तो ये एक इंफॉर्मेशन दी है। अब उन्होंने और एक क्या पॉइंट लिखा है, द कैंडिडेट हु डज नॉट अपियर इन पेपर 1 विल नॉट बी अलाउड फॉर पेपर 2। अब जैसे कि आपको पता है जो आपकी सेट एग्जाम में 2 पेपर में होती है, पार्ट ए होता है आपका एप्टीट्यूड या आप रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह कह सकते हो, और पार्ट पेपर 2 है आपका, वो कौन सा है आपका सब्जेक्ट वाइज मेथड है। अगर आप पहला पेपर मिस करते हो तो ऑब्वियसली आपको सेकेंड पेपर को अलाउड ही नहीं है बैठने को, तो कंपल्सरी आपको दोनों आपके जो पेपर है वो अटेंड करने ही करने हैं, ये सब नो। और एक पॉइंट क्या है, द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज दैट इज SC ST PWD और अदर स्टेट शाल बी ट्रीटेड एज जनरल कैटेगरी। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं एक महाराष्ट्र का स्टूडेंट हूँ, बट अगर मैं जा रहा हूँ AP सेट या HP सेट का देने, और भले ही मैं अगर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, कोई स्टूडेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, लेकिन वो अदर सेट में कैटेगरी में नहीं आएगा, वो आपके ओपन कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ठीक है? अगर आप स्टेट के बाहर की एग्जाम दे रहे हो और भले ही वो अपने स्टेट में कैटेगरी से बिलोंग करता हो बट दूसरे स्टेट में वो जाएगा, तो वो अदर स्टेट का होने की वजह से वो जनरल कैटेगरी से ही माना जाएगा। तो ये एक है, और बाकी तो कुछ है भी नहीं वैसे। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, और हाउएवर नो कैंडिडेट इज अलाउड टू टेक द ओरिजिनल OMR शीट, जो आपकी ऑब्वियसली ओरिजिनल OMR शीट होती है वो तो आपको सबमिट करनी होती है, और उसके पीछे कार्बन कॉपी भी होती है, वो आप घर ला सकते हो, अगर आपको बाद में आपके आंसर्स क्रॉस चेक करने हैं तो आप उसको आप घर ला सकते हो, बाकी आपकी जो मेन OMR शीट है वो आपको वहीं पर सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है? एक बार आप सारी चीजें है ना ये पॉइंट्स आराम से पढ़िए एग्जाम से पहले। यहाँ पर और क्या है, द कैंडिडेट इज अलाउड टू अपियर ओनली इन द एग्जामिनेशन सेंटर अलॉटेड। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो आपको हॉल टिकट के ऊपर एग्जामिनेशन सेंटर अलॉट किया है कंपलसरी आपको वहीं पर जाकर एग्जाम देनी है। अब यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा, या आप किसी और एग्जाम सेंटर पर जाकर ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैंने फॉर्म भरा है बट मुझे इस सेंटर के ऊपर एग्जाम देना है, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला है किसी भी स्टूडेंट के लिए। तो जो हॉल टिकट के ऊपर आपका ये आया है, सेंटर आया है एग्जाम का, वहीं पे आपको जाना है और एग्जाम को अटेंड करना है, ठीक है? और बाकी तो कुछ है नहीं, ये तो सारा आपका सब्जेक्ट वाइज चीजें हैं, और बाकी तो आप आराम से पढ़ ही सकते हो, ठीक है? जो भी चीजें रिवैल्यूएशन वाली, या आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके साथ रख नहीं सकते कंपलसरी, एग्जामिनेशन हॉल से आप बाहर नहीं जा सकते हो, कोई भी यहाँ पर देखा ये सब टेक्सचुअल मटेरियल, पेपर रिटर्न वाले कोई भी चीजें आपके पास नहीं होनी चाहिए,
यहाँ पर एक आपको भी पता है चार सेट होते हैं आपके सेट में ए बी सी डी, तो आपको वो भी चीजें ध्यान से फिल करनी है। जब आपके पास ओएमआर शीट आएगी उसके पहले आपको चीजों को फिल करना होता है, आपका नाम हो गया, फिर आपका रोल नंबर हो गया, उसके हिसाब से आपको ओएमआर से चीजों को कलर करना है, तो वो भी आपको काफी ध्यान से ये चीजें फिल करनी है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ये पीडीएफ आपके एचपी सेट के साइट पे जाकर भी यहाँ पर आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बस बाकी तो इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, आपके शेड्यूल में से एक 10-15 मिनट निकालिए और इन सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा, क्योंकि बाद में कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। हॉल टिकट एग्जामिनेशन सेंटर जाने के बाद कुछ आपके दिमाग में सवाल नहीं आने चाहिए, यार ये तो मैं लाना भूल गया या ये आपके इसमें इंस्ट्रक्शन पर लिखा ही नहीं था, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए फिर ये आपका हो गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे एचपी सेट और एपी सेट के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज चालू है। आईएफएस की वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हो, जरूर इसको रजिस्टर कीजिए, बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये चीजें आपके लिए। काफी नई तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और ना ही सिर्फ यहाँ पर लाइफ साइंस है, आप देख सकते हो लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस और मैथमेटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर ये फ्लैट 30% ऑफ है। सिर्फ 99 रुपीज में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड हैप्पी लर्निंग।